अभी 3 दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी कि एक गोल्ड मेडलिस्ट जो शूटर रेंज में, वो खिलाड़ी पिछले 2 साल से दर दर की ठोकरें खा रहा है। कारण है दिल्ली सरकार की उसके प्रति रवैया सही नहीं है, उसको मिलने का ही टाइम नहीं दिया जा रहा। ऐसे में अगर यह खिलाड़ी गेम छोड़ता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि यह गोंडा विधानसभा की खिलाड़ी है और यहाँ के विधायक अजय महावर हैं। तो जब उन्होंने ये खबर देखी तो उन्होंने हमें बुलाया और उस लड़के यानी उस खिलाड़ी मानव से भी मिले और उसको आश्वासन भी दिया और आगे हर तरीके की संभव मदद की भी पेशकश की। आइए बात करते हैं। नमस्कार, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, जब आपके माध्यम से पहले मुझे ये जानकारी मिली तो मैंने मानव को बुलाया था। मानव को भी ढेर सारी बधाई शुभकामना। शूटिंग रेंज में एक गोल्ड मेडलिस्ट, इतना अच्छा खिलाड़ी जो स्वयं प्रेरणा और स्वयं संसाधनों से मेहनत करके और गोल्ड मेडल लिया जिसने, और वो आज संसाधनों की कमी से जूझ रहा है, कि कहीं ना कहीं किसी न किसी की लापरवाही इसमें है। निश्चित रूप से हमारे संज्ञान में आने के बाद मैंने उनके मेडल्स भी देखे हैं, सर्टिफिकेट्स भी देखे हैं, मुझे उसमें काफ़ी होनहार खिलाड़ी दिखता है। 21 वर्ष की अभी उसकी मात्र आयु है और उसके जीवन में संसाधनों की कमी अवरोध ना पैदा कर दें, इसकी जिम्मेवारी हम सबको लेनी पड़ेगी। मैं केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों से ही बात करूंगा और जो भी मदद वो चाहता है मैं उसको मुहैया कराने का भरपूर प्रयत्न करूंगा। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे होनहार खिलाड़ी को संसाधनों के कारण जूझना नहीं पड़ेगा, घर बैठना नहीं पड़ेगा। मैं पुनः मानव को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये आशीर्वाद देता हूं कि वो बुलंदियों तक छुए और भारत का नाम रोशन करे। दिल्ली सरकार उनको मिलने का टाइम ही नहीं दे रही है। पिछले 2 साल से वो लगातार हर मंत्री, हर दिल्ली सरकार के हर विधायक के पास वो जा रहे हैं, मगर बात वहीं आ रही है, ना उनको मिलने का टाइम दिया जा रहा है और ना ही उनसे किस तरह की कोई बात की जा रही है। ऐसे में अगर ये खिलाड़ी गेम छोड़ता है या पीछे हटता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? निश्चित रूप से दुखद बात है कि एक गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी, प्रतिभावान खिलाड़ी आज अपने ही सरकार से, अपने मंत्रियों से मिल नहीं पा रहा है। लेकिन मैं इसमें उसकी मदद करूंगा, चाहे मंत्री से मिलाना हो या केंद्र सरकार की मुझे मदद लेनी पड़े। मैंने उनका प्रोफाइल मंगाया है, उनके प्रोफाइल आने के बाद ये सब जो अवरोध हैं उसको दूर करके मैं उनको सुगम रास्ते पर ले जाऊंगा। तो 2 साल के अंदर 2018 में इस खिलाड़ी ने अपना करियर शुरू किया था और 2019 में दिल्ली में रिकॉर्ड गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इकलौते गोल्ड मेडलिस्ट हैं शूटिंग रेंज में। अब उनके साथ जो समस्या आ रही है वो आ रही है फाइनेंस की, क्योंकि उनके ना ही माता हैं और ना ही पिता हैं, अपनी दादी के साथ रहते हैं और ऐसे में यदि वो खेल अगर जारी रखते हैं तो उनका खर्चा कहाँ से आएगा, और अगर वो अपनी ज़िंदगी को, अपनी जीविका के लिए आगे कंटिन्यू करते हैं तो वो उनको खेल छोड़ना ही पड़ेगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर ऐसा होता रहा तो अभिनव बिंद्रा जैसे शूटर या अभिनव बिंद्रा जैसे जिनका आज नेशनल पे नाम है, पूरे विश्व में नाम है, ऐसे खिलाड़ी हम कहां से लाएंगे? न्यूज़ भारत टीवी, यमुना विहार।